कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी की इस तस्वीर ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में आग लगा दी है। जितने मुंह उतनी ही बातें हो रही है। डीके शिवकुमार और जगनमोहन रेड्डी की मुलाकात लोकसभा और विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद हुई है, इसलिए तरह तरह की अफवाहें और अटकलें भी हो रही हैं। फोटो में जगनमोहन रेड्डी के साथ कांग्रेस के चाणक्य डीके शिवकुमार के होने से हल्ला कुछ ज्यादा मच रहा है। डीके शिवकुमार की इमेज ही ऐसी है, कर्नाटक से लेकर कांग्रेस हाईकमान तक डीके का दबदबा ही ऐसा है कि किसी से भी मिलना मिलाना मामूली बात बिल्कुल नहीं मानी जाती। आंध्र प्रदेश में बीजेपी विधायक नल्लामल्ली रामकृष्ण रेड्डी ने यह कहकर बम फोड़ा है कि जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। रामकृष्ण रेड्डी ने दावा किया है कि चुनावों में हार के बाद जगनमोहन रेड्डी डीके शिवकुमार पार्टी के विलय के सिलसिले में मिले हैं। दावा यह भी किया है कि जगनमोहन रेड्डी ने शर्त रखी है कि विलय के लिए कांग्रेस को शर्मिला रेड्डी को साइडलाइन करना होगा, जिसके लिए कांग्रेस मानेगी। आंध्र प्रदेश के अखबार ने यह भी दावा किया है कि 24 जून की रात बैंगलोर में जगनमोहन रेड्डी और डीके शिवकुमार के बीच विलय को लेकर बातचीत हुई। सोशल मीडिया में वायरल फोटो को लेकर इतना हल्ला मचा कि डीके शिवकुमार को ना केवल खंडन करना पड़ा बल्कि जगनमोहन रेड्डी से मिलने वाली फोटो को भी फेक न्यूज करार दिया। जी हाँ, डीके शिवकुमार ने क्लियर किया है कि वो जगनमोहन रेड्डी से कभी नहीं मिले। किसी को इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। फोटो में दिख रहा है कि जगनमोहन रेड्डी और डीके शिवकुमार फूलों के गुलदस्ते के साथ मिले हैं। फोटो के बैकग्राउंड को देखकर लग रहा है कि मुलाकात कर्नाटक सरकार के किसी ऑफिस में हुई। शर्मिला रेड्डी आंध्र प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष है, डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो वहीं जगन मोहन रेड्डी वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष हैं। आंध्र के चुनावों में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। फायदा ले गए बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू। 5 साल में वाईएसआरसीपी का दोनों चुनावों में धुआं हो गया। विधानसभा में सिर्फ 11 सीटें जीती, लोकसभा में सिर्फ 4 सीटें जीत पाए। कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर जगनमोहन रेड्डी के लिए चैलेंज बहुत बढ़ गया है। हालांकि खुद अब जहां एक तरफ डीके शिवकुमार ने सामने आकर खुद इस बात को खंडन किया है कि जिस तरीके से डीके शिवकुमार और जगनमोहन रेड्डी की फोटो जो वायरल हो रही है वो असल में असली फोटो नहीं है बल्कि फेक न्यूज है, खुद डीके शिवकुमार ने इस बात को सबके सामने कह दिया। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।